चैप्टर फोर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च इस चैप्टर में हम निम्नलिखित क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप क्या है अच्छे मार्केटिंग रिसर्च के संचालन में क्या स्टेप्स शामिल हैं मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए सबसे बेस्ट मैट्रिक्स क्या हैं? शॉर्ट रन में सबसे अच्छे पॉसिबल टैक्टिकल डिसीजन और लॉन्ग रन में स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए मार्केटर्स को कंज्यूमर्स कॉम्पिटिशन और उनके व्रत के बारे में समय पर एक्यूरेट और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है मार्केटिंग इनसाइट की खोज करना और इसके इंप्लीकेशन को समझना अक्सर एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च या किसी ब्रांड की ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है ऑनलाइन अपडेट्स से जुड़े रहना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च अपना नया गैलेक्सी S3 स्मार्टफोन लॉन्च करने में सैमसंग को एप्पल में एक फॉर्मिडेबल मजबूत अपोनेंट का सामना करना पड़ा ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए सैमसंग ने आईफोन के बारे में बार बार की जाने वाली नेगेटिव कमेंट्स को जानने के लिए सैकड़ों हज़ारों ट्वीट्स और ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस को छाना इसकी नए कैंपेन के एक ऐड में उन एप्पल फनाटिक्स का मज़ाक उड़ाया गया जो नवीनतम आईफोन मॉडल के लिए लाइन में ईगली इंतज़ार कर रहे थे अदर नेक्स्ट बिग थिंग इज ऑलरेडी हियर कि टैग के साथ एड ने स्क्रीन साइज़ और एनएफसी फ़ाइल स्वैपिंग टेक्नोलॉजी जैसी फ़ीचर्स को दिखाया जहां सैमसंग को फ़ायदा था यह इस क्लेवर ट्विस्ट के साथ समाप्त हुआ कि लाइन में सैमसंग फोन यूजर जिसके फोन में वे सभी फीचर्स थे जिनकी एप्पल यूजर्स को उम्मीद थी अपने पेरेंट्स के लिए बस स्पॉट सेव कर रहा था ऑनलाइन एक बहुत बड़ी हिट एड ने यूट्यूब पर मिलियंस डाउनलोड्स आकर्षित किए टीवी एड गैलेक्सी एस फीचर्स की एक लॉन्ग लिस्ट को आईफोन के लिए बहुत स्मॉल लिस्ट के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हुए पहले के एक प्रिंट एड का फॉलोअप था इसने एप्पल और इसके जीनियस रिटेल एम्प्लॉयज का भी मजाक उड़ाया और टैगलाइन जोड़ा बिट टेक अ जीनियस द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग मैनेजर्स अक्सर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज के फॉर्मल मार्केटिंग स्टडीज को चालू करते हैं कमीशन करते हैं जैसे कि मार्केट सर्वे प्रोडक्ट प्रेफरेंस टेस्ट रीजन से सेल्स फोकास्ट या एडवर्टाइजिंग इवेल्यूएशन मार्केटिंग रिसर्चर का काम मार्केटिंग मैनेजर के डिसीजन मेकिंग में मदद करने के लिए इंसाइट पैदा करना है फॉर्मली अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है मार्केटिंग रिसर्च वह फंक्शन है जो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कंज्यूमर कस्टमर और पब्लिक को मार्केटर से जोड़ता है यह इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग ऑपरचुनिटीज और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और डिफाइन करने के लिए उपयोग की जाती है मार्केटिंग एक्शंस को जेनरेट रिफाइन और इवेल्युएट करने के लिए मार्केटिंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए और मार्केटिंग की समझ को एक प्रोसेस के रूप में सुधारने के लिए मार्केटिंग रिसर्च इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफाई करता है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए मेथड को डिजाइन करता है डेटा कलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करता है और लागू करता है रिजल्ट्स का विश्लेषण करता है और फाइंडिंग्स और उनके इम्प्लीकेशंस को कम्युनिकेट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इंसाइट्स मार्केटिंग रिसर्च का पूरा संबंध इंसाइट्स को जेनरेट करने से होता है मार्केटिंग इंसाइट्स इस बारे में डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं कि हम मार्केट प्लेस में सर्टन इफेक्ट्स को कैसे और क्यों ऑब्जर्व करते हैं और मार्केटर्स के लिए इसका क्या मतलब है गुड मार्केटिंग इनसाइट्स ऑफ एन फ्रॉम द बेसिस ऑफ अच्छी मार्केटिंग इनसाइट्स अक्सर सक्सेसफुल मार्केटिंग प्रोग्राम्स का बेसिस बनती है जब वॉलमार्ट द्वारा यूएस रिटेल शॉपर्स के एक व्यापक कंज्यूमर रिसर्च स्टडी से पता चला कि स्टोर के प्रमुख कंपिटेटिव एडवांटेजेस फंक्शनल बेनिफिट ऑफर्स लो प्राइसेज और इमोशनल बेनिफिट मेक्स मी फील लाइक अ स्मार्ट शॉपर थे तो इसके मार्केटर्स ने उन इनसाइट्स का उपयोग अपने सेव मनी लाइव बेटर कैंपेन को विकसित करने के लिए किया जब मार्केटिंग रिसर्च से पता चला कि कंज्यूमर्स ने वॉलग्रींस को मुख्य रूप से एप फार्मेसी से जुड़े कन्वीनियंस स्टोर के रूप में देखा तो कंपनी ने खुद को प्रीमियम हेल्थ केयर ब्रांड के रूप में रिपोजिशन करने के लिए कदम उठाए इसके वेलनेस ऑफरिंग्स जैसे कि इसके वॉक इन क्लिनिक्स पर अधिक जोर दिया मार्केटिंग इनसाइट्स प्राप्त करना मार्केटिंग सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है अपने डॉलर तीन बिलियन पैंटीन हे अकेयर ब्रांड के मार्केटिंग में सुधार करने के लिए प्रॉक्टर अगैम्बल ने महिलाओं की हेयर के बारे में फीलिंग्स के बारे में गहराई से जानने के लिए अध्ययन किया साइकोलॉजी से मूड स्केल्स वाले सर्वेस ब्रेन वेव्स को मापने के लिए हाई रेसोल्यूशन ईजी रिसर्च और अन्य मेथड्स का उपयोग किया इसके रिजल्ट के रूप में कंपनी ने पैंटीन प्रोडक्ट्स को फिर से बनाया रिफोर्म्यूलेटेड पैकेजेस को फिर से डिजाइन किया लाइन को चौदह कलेक्शंस से घटाकर आट किया और एड कैंपेन को फाइन ट्यून किया यदि मार्केटर्स के पास कंज्यूमर इंसाइट्स नहीं होती हैं तो वे अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं जब ट्रॉपिकाना ने अपने ऑरेंज जूस पैकेजिंग को फिर से डिजाइन किया तो ऑरेंज को स्ट्रॉ से स्क्योअर करते हुए कि आइकॉनिक इमेज को हटाकर यह कंज्यूमर रिएक्शंस के लिए पर्याप्त रूप से टेस्ट करने में असफल रहा जिसके विनाशकारी परिणाम सामने आए सेल्स में 20 प्रतिशत की गिरावट आई और ट्रॉपिकाना ने कुछ ही महीनों के बाद पुराने पैकेज डिजाइन को फिर से लागू कर दिया हुज़ मार्किंग रिसर्च ओपिनियन और मार्केट रिसर्च प्रोफेशनल्स की वर्ल्ड एसोसिएशन के अनुसार मार्केटिंग रिसर्च पर खर्च 2013 में ग्लोबली चालीस बिलियन से अधिक था आठ ज्यादातर लार्ज कंपनीज के अपने मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर महत्वपूर्ण रोल्स निभाते हैं प्रॉक्टर अ गैम्बल अपने मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट का वर्णन इस प्रकार करता है नौ कंज्यूमर मार्केट नॉलेज सीएमके डिपार्टमेंट पीएजी का महत्वपूर्ण इंटरनल कॉम पास है जो कंज्यूमर्स शॉपर्स और रिटेल ट्रेड के इनडेप्थ एनालिसिस के आधार पर ब्रांड और कस्टमर बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी से संबंधित डिसीजंस का मार्गदर्शन करता है और उन्हें चैंपियन करता है CMK, behavior, के मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर हैबिट्स मोटिवेशंस शॉपर बिहेवियर कस्टमर और कंपिटेटिव डायनामिक्स के एनालिसिस का नेतृत्व करता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंज्यूमर और शॉप रिसर्च स्टडीज को डिजाइन और एनालाइज करता है साथ ही सिंडिकेटेड मार्केट डेटा का भी सीएमके एक इंटेग्रल पार्टनर है जो कॉन्सेप्ट के डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक और फिर इन मार्केट लॉन्च के माध्यम से बिजनेस ग्रोथ को चलाने तक ब्रांड लाइफ साइकिल के सभी चरणों में इन्वॉल्व रहता है सीएमके पीएजी की स्टेटेड ग्लोबल स्ट्रैटेजी कंज्यूमर इज बॉस को साकार टू लाइफ करता है हालांकि मार्केटिंग रिसर्च बड़ी बजट्स और मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट्स वाली लार्ज कंपनीज तक सीमित नहीं है अक्सर बहुत छोटी कंपनीज में हर कोई मार्केटिंग रिसर्च करता है कस्टमर्स सहित स्मॉल कंपनीज मार्केटिंग रिसर्च फर्म की सर्विसेज भी हायर कर सकती हैं या रिसर्च को क्रिएटिव और अफोर्डेबल वे से कर सकती हैं जैसे कि एंगेजिंग स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स टू डिजाइन एंड कैरी आउट प्रोजेक्ट्स एट आई टी जी सैमसंग शेल ऑल और अन्य ने इनोवेशन चैलेंज को स्पॉन्सर करके एक क्राउडकास्टिंग एक्सरसाइज में भाग लिया है जहां टॉप एमबीए स्टूडेंट्स कंपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए टीम्स में कॉम्पीट करते हैं स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस और विजिबिलिटी प्राप्त होती है कंपनीज को बहुत कम फी में जो कंसल्टेंट्स चार्ज करते उससे समस्याओं को हल करने के लिए नए नजरिया प्राप्त होते हैं टेन नॉन प्रॉफिट यूनाइटेड वे यूजेस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स क्रिटिकल मार्केटिंग रिसर्च रिसोर्सेज के रूप में मार्केट प्लेस डेटा को कलेक्ट और कंसोलिडेट करने और लार्जर रिसर्च प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए दो यूजिंग द इंटरनेट कंपनी कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट्स एग्जामिन करके चैट रूम्स और ब्लॉग्स को मॉनिटर करके और पब्लिश डेटा एक्सेस करके कम कॉस्ट पर कॉन्सिडरेबल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है रेडियंट अटेंसिटी और लिथियम जैसी कंपनीज के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल्स फर्म्स को ऑनलाइन बस में टॉप पर रखते हैं होम वाटर फिल्ट्रेशन कंपनी एक्वेजाना यह कलेक्ट करने के लिए नेट नेटबेस के टूल्स का उपयोग करती है कि लोग ट्विटर फेसबुक न्यूज साइट्स ब्लॉग्स मैसेज बोर्ड्स और अन्य किसी भी जगह जहां रेलेवेंट ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस होते हैं पर और अदर कॉम्पेटिटर्स के बारे में क्या कह रहे हैं ट्वेल्व तीन चेकिंग आउट राइवल्स कई स्मॉल बिजनेसेस जैसे रेस्टोरेंट्स होटल्स या स्पेशलिटी रिटेलर्स कॉम्पेटिटर्स के पास रूटीनली जाते हैं ताकि उनके द्वारा किए गए चेंजेस के बारे में जान सकें टॉम स्टेमबर्ग जिन्होंने ऑफिस सप्लाई सुपरस्टोर स्टोर स्टैपल्स की स्थापना की थी अपने स्टोर्स कॉम्पेटिटर्स के स्टोर्स और अपनी कैटेगरी के बाहर के स्टोर्स में वीकली अनअनाउंस्ड विजिट्स करते थे उनका फोकस हमेशा इस पर रहता था कि स्टैपल्स को इम्प्रूव करने के लिए आइडियाज़ प्राप्त करने के लिए द स्टोव वॉज डूइंग राइट क्या था थर्टीन चार अटैपिंग इन टू मार्केटिंग पार्टनर एक्सपर्टीज मार्केटिंग रिसर्च फार्मस एड एजेंसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स और अन्य मार्केटिंग पार्टनर्स संचित अक्यूमलेटेड किए गए रेलेवेंट मार्केट नॉलेज को शेयर कर सकते हैं स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेसेस को टारगेट करने वाले पार्टनर्स विशेष रूप से हेल्पफुल हो सकते हैं उदाहरण के लिए चाइना को अधिक शिपिंग को प्रोमोट करने के लिए यूपीन्स ने चाइनीज मार्केट के कई इंडेप्थ सर्वेस किए ताकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को पोर्ट्रे किया जा सके और स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए इसके अपॉर्चुनिटीज को भी फोर्टीन पंच टैपिंग इनटू एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड विजडम शायद ही कोई कंपनी के प्रोडक्ट्स सर्विसेज और ब्रत्स को इसके एम्प्लॉयीज से बेहतर समझता है और कस्टमर्स के साथ अधिक कॉन्टैक्ट में आता है सॉफ्टवेयर मेकर इंटुईट एम्प्लॉयज़ को चार से छह सदस्यों वाले टू पिज़्ज़ा टीम्स में रखता है जिसे ऐसा कहा जाता है क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए केवल दो पिज़्जा लगते हैं वे सभी क्षेत्रों के कस्टमर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं जिन्हें इंट्विट सॉल्व करने में सक्षम हो सकता है इंट्विट एम्प्लॉयज के सभी प्रोपोज सोल्यूशन्स लेता है और उनके साथ प्रयोग करता है उन आइडियाज़ के पीछे प्रोडक्ट्स बनाता है जो सबसे अच्छी तरह से काम करते हैं फिफ्टीन अधिकांश कंपनीज अपने इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटर्स ऑडियंसेज और चैनल स्ट्रैटेजीज का अध्ययन करने के लिए रिसोर्सेज के कॉम्बिनेशन का उपयोग करती है वे आमतौर पर मार्केटिंग रिसर्च के लिए कंपनी सेल्स के एक प्रतिशत से दो प्रतिशत का बजट रखते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा आउटसाइड फर्म्स की सर्विसेज पर खर्च करते हैं मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स तीन कैटेगोरीज में आती हैं सिंडिकेटेड सर्विस रिसर्च फर्म्स ये फर्म्स कंज्यूमर और ट्रेड इन्फॉर्मेशन गैदर करती हैं जिसे वे फी में बेचती हैं एग्जाम्पल्स में नीलसन कंपनी ग्रुप वेस्टैट और इरी शामिल हैं कस्टम मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स इन फर्म्स को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने के लिए हायर किया जाता है वे स्टडी डिज़ाइन करते हैं और फाइंडिंग्स रिपोर्ट करते हैं स्पेशलिटी लाइन मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स ये फर्म्स स्पेशलाइज्ड रिसर्च सर्विसेज प्रदान करती हैं सबसे अच्छा उदाहरण फील्ड सर्विस फर्म है जो अन्य फर्म्स को फील्ड इंटरव्यूइंग सर्विसेज बेचती है ओवरकमिंग बैरियर्स टू द यूज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च की रैपिड ग्रोथ के बावजूद कई कंपनीज अभी भी इसका पर्याप्त या सही ढंग से उपयोग करने में विफल रहती है वे यह नहीं समझ सकते हैं कि यह किस योग्य है या रिसर्चर को सही प्रॉब्लम डेफिनेशन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके साथ काम करना हो उनके रिसर्चर्स क्या ऑफर कर सकते हैं इस बारे में भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च का ठीक से उपयोग करने में विफलता के कारण कई भूले गैफ्स हुई हैं जिनमें यह हिस्टोरिक गलती भी शामिल है 16. स्टार वॉर्स 1970 के दशक में एक सक्सेसफुल मार्केटिंग रिसर्च एग्जीक्यूटिव ने जनरल फूड्स को छोड़ा और एक साहसिक चाल गैम्बिट की कोशिश की हॉलीवुड में मार्केट रिसर्च लाना ताकि फिल्म स्टूडियोज को उसी रिसर्च तक एक्सेस मिल सके जिसने जनरल फूड्स की सक्सेस को बढ़ावा दिया था एक मेजर फिल्म स्टूडियो ने उसे एप साइंस फिक्शन फिल्म प्रपोजल दिया और उससे रिसर्च करने और उसकी सक्सेस या फेलियर प्रिडिक्ट करने के लिए कहा उसके व्यू स्टूडियो के इस डिसीजन को इन्फॉर्म करते कि फिल्म को बैक किया जाए या नहीं रिसर्च एग्जीक्यूटिव ने निष्कर्ष निकाला कि फिल्म फेल होगी पहली बात तो उनका तर्क था कि वाटरगेट ने यूनाइटेड स्टेट्स को इंस्टीट्यूशंस पर कम भरोसा करने वाला बना दिया था और परिणामस्वरूप 1970 के दशक में इसके सिटीजन साइंस फिक्शन के ऊपर रियलिज्म और ऑथेंटिसिटी को महत्व देते थे इस पर्टिकुलर फिल्म के टाइटल में वॉर शब्द भी था एग्जीक्यूटिव ने तर्क दिया कि व्यूअर्स जो पोस्ट वियतनाम हैंगओवर से पीड़ित हैं बड़ी संख्या में दूर रहेंगे फिल्म स्टार वॉर्स थी जिसने इवेंचुअली बॉक्स ऑफिस रिसीट्स में ही चार डॉट तीन बिलियन से अधिक की कमाई की इस रिसर्चर ने जो दिया वह इन्फॉर्मेशन थी इनसाइट नहीं वह स्क्रिप्ट का अध्ययन करने में विफल रहा यह देखने के लिए कि यह मूल रूप से एक ह्यूमन स्टोरी थी प्यार कॉन्फ्लिक्ट लॉस और रिडेम्पशन की जो कि स्पेस के बैकड्रॉप में घटित हुई थी